किट की जो क्षमता है वो 5 लाख है, उसमें से 1.5 लाख से ज्यादा की टेस्टिंग हर रोज हो रही है, जो कि जिस समय 24 मार्च को जब अनाउंस हुआ था लॉकडाउन तब हमारी 1000 की क्षमता थी। तो हम लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं, चाइना से अपना इंपोर्ट कम करते जा रहे हैं, पीपीटी किट्स बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं, ग्लव्स बन रहे हैं, सैनिटाइजर्स बन रहे हैं। आज आप देखिए कि पिछले 2-3 महीने के अंदर कितना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हम लोग हर प्रकार से स्टेट के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे जरा प्लीज बोलने दीजिए, जब आप बोले थे तब मैंने बोला था, अब ये दिक्कत ये है कि अब ये यही बोल लीजिए, फिर आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलता हूँ, आप बोलिए। आपने जब मैं जो बोलने का मौका दे रहे हैं तो मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। आप पहली टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अरे आप अरुण जी, अब फातिमा जी देखिए, मैंने अरुण जी के बीच में नहीं बोला। त्रिपाठी जी, मेरी मेरी गुजारिश है कि थोड़ी गरिमा से पेश आए, जब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दें, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन है मैं उनके ऑब्जेक्शन को जवाब देने के लिए तत्पर बैठा हूं। अब आप इन्होंने देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बताई थी, 7,135 टोटल जो है मृत्यु हुई है, जिसमें से महाराष्ट्र में 3,060 है और दिल्ली में 761 है और उत्तर प्रदेश में मात्र 275 है। तो उत्तर प्रदेश जो कि 23 करोड़ की जनता है, वहां पर 275 मौतें हुई हैं और कहां महाराष्ट्र में 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अच्छा, दूसरा सवाल लॉकडाउन के ऊपर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि लॉकडाउन लगाइए, इनके शासित कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान में 19 मार्च को लगा दी गई। तो क्यों लगा दी गई, 19 से उन्होंने लॉकडाउन पहले डिक्लेयर कर दिया, तो लॉकडाउन की सहमति बनी थी। लगातार 5 बार प्रधानमंत्री जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप हुआ है, समन्वय हुआ है, ICMR की गाइडलाइंस लगातार जारी हुई है। अगर आप देखें कि दिल्ली भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार संवाद पत्रकारों के साथ चलता रहा है, हर रोज जो है जॉइंट सेक्रेटरी और जो और भी विभाग के लोग थे उन्होंने आकर के प्रेस को एड्रेस किया है, तो लगातार सूचित करते गए क्या स्थिति है। फिर ये उठा रहे हैं इशू कि ये सब ये वर्चुअल रैली की क्या जरूरत है, अरे भाई प्रजातांत्रिक मामला है, या तो आप सारे चुनाव हटा दीजिए, सारे चुनाव मुलतवी कर दीजिए, या कोई कारण, अभी मानसून सेशन आने वाला है, मानसून सेशन को लेकर के चिंता बनी हुई है। ओम बिरला जी ने कई बार मीटिंग कर चुके हैं कि किस प्रकार से मानसून सेशन को किया जाए, तो जो बुनियादी चीजें हैं उनको आप छोड़ करके आप खाली वो ही करते रहेंगे तो ये नहीं चलता, ये प्रशासनिक क्षमता का एक अच्छा प्रतिबिंब नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लांछन लगाना बहुत आसान है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से इस कोविड के संघर्ष को लड़ रही है ये बहुत सराहनीय है, बल्कि 130 करोड़ की जनता में अभी अब माइग्रेशन की चैलेंज किसी भी कंट्री में नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हुआ। कितनी ट्रेनें पीयूष गोयल जी ने लगातार लगाई, 1 करोड़ से ज्यादा माइग्रेशन लेबर को उनके गंतव्य पर पहुंचाया गया, कितनी चुनौतियां बहुत कम समय में, अल्प समय में इतनी चुनौतियां उठ जाती हैं। दिल्ली के को क्या जरूरत थी कि उन्होंने लीकर की दुकान खोल दी, उसे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल चरमरा गई। तो इस प्रकार की जो ये कोरोना को रोकने की तैयारी पूरी चल रही, भरसक चल रही है, वही तो मैंने आपको अभी स्टैटिस्टिक्स बताया कि हमारे हमारी